हाय गाइस, गाइस बात करेंगे बैडमिंटन सिंगल मेन सिंगल की। सेमीफाइनल का मुकाबला जो खेला गया था सेन और पी एक्सन के बीच का मुकाबला। दोस्तों आज जो मुकाबला खेला गया उसमें एल सेन ने 20 पॉइंट पर पहले मुकाबला था के उसके बाद सेकंड मुकाबले में 14 के उसके चौदह सेमीफाइनल में वी एक्सन ने 22 पॉइंट लगे फर्स्ट राउंड, उसके बाद 21 पॉइंट आए थे सेकेंड राउंड में। इस विक्टोरिया एल्सन डेनमार्क वर्सेस लक्ष्य सेन इंडिया के प्लेयर्स ने सिंगल बैडमिंटन प्लेयर्स ने आज बहुत ही शानदार अच्छा परफॉर्म किया था। ओलंपिक 2024 में मुकाबला बहुत ही अच्छा परफॉर्म खेला था। इस तरह मुकाबले में इंडिया ने यहाँ पर फिर से बाजी हारी है, तो यहाँ पर फिर से बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए विक्टोरियान ने यहाँ पर बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए डेनमार्क के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया टीम यहाँ पर हार का मुकाबला देखना पड़ा। दोस्तों ओलंपिक 2024 पेरिस में होने जा रहा है, उसमें इंडिया के प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा खाना पसंद किया है। बताइए दोनों के विक्टोरी क्रिशन डेनमार्क लक्ष्यन इंडिया मेन सिंगल बैडमिंटन सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा फॉर्म दूसरे मिला। इसमें ओलंपिक 2024 का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा रहा। दोस्तों अभी बात करेंगे वी एक्सन एलसन की दो बने बल्लेबाज बहुत ही शानदार फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे 21 एलसन ने 20 पॉइंट हासिल किया 14 पॉइंट सेकेंड राउंड में, उसके बाद परफॉर्म बहुत ही शानदार सुपाई वैसे बैडमिंटन टीम की बहुत ही शानदार रही थी। विक्टोरी एक्सन वर्सेस इंडिया लक्ष्यन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को खेला है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसमें मुकाबले की बात की जाए तो मेन सिंगल में इस तरह का सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला उसमें एल सेन ने 20 रैंक में हासिल की, उसके 14 में हासिल किया, उसके बाद खरा समय करना पड़ा। हाय गाइस, गाइस बात करेंगे बैडमिंटन सिंगल्स मेन सिंगल की। सेमीफाइनल का मुकाबला जो खेला गया था सेन और पी एक्सन के बीच का मुकाबला। दोस्तों आज जो मुकाबला खेला गया उसमें एल सेन ने 20 पॉइंट पर पहले मुकाबला था के उसके बाद सेकेंड मुकाबले में 14 के उसके चौदह सेमीफाइनल में वी एक्सन ने 22 पॉइंट लगे फर्स्ट राउंड, उसके बाद 21 पॉइंट आए थे सेकेंड राउंड में। इस विक्टोरिया एल्सन डेनमार्क वर्सेस लक्ष्य सेन इंडिया के प्लेयर्स ने सिंगल बैडमिंटन प्लेयर्स ने आज बहुत ही शानदार अच्छा परफॉर्म किया था। ओलंपिक 2024 में मुकाबला बहुत ही अच्छा परफॉर्म खेला था। इस तरह मुकाबले में इंडिया ने यहाँ पर फिर से बाजी हारी है, तो यहाँ पर फिर से बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए विक्टोरियान ने यहाँ पर बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए डेनमार्क के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया टीम यहाँ पर हार का मुकाबला देखना पड़ा। दोस्तों ओलंपिक 2024 पेरिस में होने जा रहा है, उसमें इंडिया के प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा खाना पसंद किया है। बताइए दोनों के विक्टोरी क्रिशन डेनमार्क लक्ष्यन इंडिया मेन सिंगल बैडमिंटन सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा फॉर्म दूसरे मिला। इसमें ओलंपिक 2024 का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा रहा। दोस्तों अभी बात करेंगे वी एक्सन एलसन की दो बने बल्लेबाज बहुत ही शानदार फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे 21 एलसन ने 20 पॉइंट हासिल किया 14 पॉइंट सेकेंड राउंड में, उसके बाद परफॉर्म बहुत ही शानदार सुपाई वैसे बैडमिंटन टीम की बहुत ही शानदार रही थी। विक्टोरी एक्सन वर्सेस इंडिया लक्ष्यन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को खेला है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसमें मुकाबले की बात की जाए तो मेन सिंगल में इस तरह का सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला उसमें एल सेन ने 20 रैंक में हासिल की, उसके 14 में हासिल किया, उसके बाद खरा समय करना पड़ा। हाय गाइस, गाइस बात करेंगे बैडमिंटन सिंगल्स मेन सिंगल की। सेमीफाइनल का मुकाबला जो खेला गया था सेन और पी एक्सन के बीच का मुकाबला। दोस्तों आज जो मुकाबला खेला गया उसमें एल सेन ने 20 पॉइंट पर पहले मुकाबला था के उसके बाद सेकेंड मुकाबले में 14 के उसके सेमीफाइनल में वी एक्सन ने 22 पॉइंट लगे फर्स्ट राउंड, उसके बाद 21 पॉइंट आए थे सेकेंड राउंड में। इस विक्टोरिया एल्सन डेनमार्क वर्सेस लक्ष्य सेन इंडिया के प्लेयर्स ने सिंगल बैडमिंटन प्लेयर्स ने आज बहुत ही शानदार अच्छा परफॉर्म किया था। ओलंपिक 2024 में मुकाबला बहुत ही अच्छा परफॉर्म खेला था। इस तरह मुकाबले में इंडिया ने यहाँ पर फिर से बाजी हारी है, तो यहाँ पर फिर से बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए विक्टोरियान ने यहाँ पर बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए डेनमार्क के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इंडिया टीम यहाँ पर हार का मुकाबला देखना पड़ा।
दोस्तों ओलंपिक दो छोटे जो पेरिस में होने जा रहा है उसमें इंडिया के प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा खाना पसंद किया है। अगर भाई बुन विक्टोरी टसन डेनमार्क लक्ष्यन इंडिया मेन सिंगल बैडमिंटन सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा था।